आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार समीकरण। समीकरण पढ़ने से पहले हम सीख लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक आपने पढ़ा हुआ है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। चर राशि अथवा चर राशि या फिर चर राशि अचर राशि को प्लस माइनस गुणा या भाग चिन्ह के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है। कैसे, क्या कहा मैंने? चर राशि को चर राशि के साथ लिख सकते हैं या फिर चर राशि को अचर राशि के साथ लिखते हैं, ठीक है। इसमें संज्ञा कौन सा लगा सकते हैं? प्लस माइनस गुणा या भाग, ठीक है। चर राशि को चर राशि से या फिर चर राशि को अचर राशि के साथ जब हम गणितीय संख्याएं प्लस माइनस गुणा या भाग के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, माइनस जेड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चर राशि है, यहाँ पर भी चर राशि, हमने गणितीय संख्या प्लस और माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। इसे आप चर और अचर के साथ भी लिख सकते हैं। चर यानी एक्स हो गया और अचर राशि प्लस टू हो गया, या फिर आपको गुणा या भाग में लिखना चाहे तो भाग में इस तरह से लिख सकते हैं और गुणा में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है चर राशि और अचर राशि। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे हम एक्स की वैल्यू एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, पांच रख सकते हैं, है ना। तो इसका कोई फिक्स मान नहीं होता, हमेशा बदलते रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। अचर राशि क्या होता है? जिसका निश्चित मान होता है, जैसे कि ये हो गया दो, है ना, तीन, पांच, ये क्या है, इसे हम जैसे पांच लिखूंगी तो मैं इसको पांच ही पढ़ूंगी, दो नहीं पढ़ सकती, है ना। तो इसका ये निश्चित मान हो गया, ठीक है। तो चर राशि और अचर राशि क्या होती है? जिसका कोई निश्चित मान होता है वो अचर राशि होता है, और जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है वो क्या होता है? चर राशि होता है, ठीक है। तो चर राशि और अचर राशि को जब हम गणितीय संख्याओं के साथ जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो जब हम बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे कि हम उदाहरण यहाँ पर देना चाहें तो इस तरह से x प्लस टू इक्वल टू फाइव, ठीक है। यदि मैंने ऐसा लिख दिया है यानी कि ये क्या है? समीकरण है। कैसे? बीजीय व्यंजक अभी हमने बताया कि उसमें चर राशि हो सकती है, अचर राशि होती है, उसमें गणितीय संक्रिया लगती है तो वो बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो बीजीय कथन में जब बराबर का निशान होता है, ये आपको दिख रहा है बराबर का निशान, ठीक है। तो जब बीजीय कथन में बराबर का चिन्ह होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समीकरण, ठीक है। समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप सिर्फ ऐसा लिख रहे हैं तो ये क्या है? समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से समीकरण बनता है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक ये होता है दायां पक्ष और ये होता है बायां पक्ष। दायां पक्ष यानी कि जिस तरफ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीधे हाथ, ठीक है। दायां यानी क्या होता है? सीधे हाथ तरफ, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? बायां पक्ष, ठीक है। क्या हो गया? बायां पक्ष। ये क्या होता है? उल्टे हाथ तरफ, ठीक है। तो सीधे हाथ तरफ जब हम लिखते हैं तो वो दायां पक्ष होता है, उल्टे हाथ तरफ जब हम लिखते हैं तो वो बायां पक्ष होता है। ये आपने कक्षा छठी में पढ़ा है, इसमें समीकरण क्या होता है और उसमें बायां पक्ष दायां पक्ष आपको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और समीकरण कब बनता है? जब बराबर का चिन्ह होता है तब बनता है, ये आपने कक्षा छठी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे का अब हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं में कि इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर राशि और अचर राशि क्या होती है। इसे पढ़ लेते हैं। चर राशि ऐसी राशि होती है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, अचर राशि ऐसी राशि होती है जिसका कोई निश्चित मान होता है, ठीक है। तो जब उसे ही हम क्या कहते हैं? जब चर राशि और अचर राशि को जब हम गणितीय संख्या प्लस माइनस गुणा या भाग के साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं।
बीजी व्यंजक को जब हम बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है, समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है? बराबर का निशान होना जरूरी है। ठीक है, समीकरण में हमने पढ़ा कि बराबर का निशान होना जरूरी है। इसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, समीकरण को हल करने से पहले हम देख लेते हैं इसके क्या क्या नियम होते हैं। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने समीकरण लिखा हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, ये x है, ये तो आपका फिक्स मान हो गया, पांच है। ये क्या है? सात है। x क्या है? चर राशि, क्योंकि इसका कोई मान हमको नहीं पता है कि यहाँ पर एक रखेंगे कि पांच रखेंगे कि सात रखेंगे दस रखेंगे, नहीं मालूम है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? अज्ञात राशि। अज्ञात यानी कि जो हमको ज्ञात नहीं है, जो हमको पता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अज्ञात राशि। ठीक है, तो समीकरण को हल करना यानी कि क्या हो गया? इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अज्ञात राशि का मान यदि हम हल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण को हल करना कहते हैं। ठीक है, अज्ञात राशि क्या होती है? ऐसी राशि जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। क्या कहा मैंने? अज्ञात राशि क्या होती है? ऐसी राशि होती है जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। संतुष्ट करती है यानी कि कहने का मतलब है कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, समीकरण को हल करने का अर्थ है कि इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? समीकरण को हल करना कहलाता है। ठीक है, अब ये अज्ञात राशि क्या होती है? अज्ञात राशि ऐसी राशि होती है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। कैसे संतुष्ट करता हो? कि मैंने कहा कि यदि आपने बराबर का यहाँ पर निशान लगाया है, यानी कि क्या है कि इसका जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर दिख रहा है सात, तो इसका जो दायां पक्ष है वो सात आ रहा है, तो बायां पक्ष भी आपका क्या होना चाहिए? सात आना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे कि सात हो जाए, तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे? पांच में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सात। तो यहाँ पर दो हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सात बराबर होगा, यानी कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा। तो इस अज्ञात राशि का क्या मान आया हमारा? दो आया, यही आया ना। तो इसे ही क्या कहते हैं? संतुष्ट करना। ऐसी ये अज्ञात राशि का मान दो था, इस अज्ञात राशि का मान जब हमने रखा तो इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसकी जगह में यदि मैं तीन रखती हूँ तो क्या समीकरण संतुष्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों पक्ष यदि बराबर होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? समीकरण को संतुष्ट करना कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि ये समीकरण अभी हमने लिखा था तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपका क्या है? दायां पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। सीधे हाथ तरफ दायां पक्ष, उल्टे हाथ तरफ बायां पक्ष। ठीक है, ये हो गया। इसको हल करने के लिए, इस समीकरण को हल करने के लिए आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। वो नियम होता है पक्षांतर का नियम। कौन सा नियम होता है? पक्षांतर का नियम। ठीक है, अब ये पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर यानी होता है पक्ष का बदलना। पक्षांतर का मतलब क्या हो गया? पक्ष का बदलना। अब पक्ष क्या है? मैंने अभी बताया दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, अब पक्ष को कैसे बदलेंगे? तो पक्ष को बदलने का नियम है प्लस माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, यदि आपका बाएं पक्ष पर प्लस है तो दाएं पक्ष पर आपको ले जाना है तो वो माइनस होगा। बाएं पक्ष पर यदि माइनस है, दाएं पक्ष में जा रहे हैं तो वो प्लस होगा। बाएं पक्ष पर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। इस तरह से ये पक्ष बदलने का नियम है। ठीक है, अब ये पक्ष कैसे बदलता है उसके उदाहरण देख लेते हैं। ये है ना,
अब कैसे पता चलेगा कि हमको किसको हटाना है, कौन सा प्लस साइन को हटाना है, कौन से माइनस साइन को हटाना है, ये देखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप समीकरण को किसी समीकरण को हल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण को हल कर रहे हैं, तो आपका जो बाया पक्ष है उसमें होना चाहिए अज्ञात राशि। जो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है वो होना चाहिए किस पक्ष पर, बाएं पक्ष पर, ठीक है। और दाएं पक्ष पर जो है उस पर होना चाहिए जो आपका संख्या मान है, यानी कि अचर राशि, ठीक है। ये यदि आप याद रखेंगे तो आपका समीकरण हल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए आप कि बाएं पक्ष पर आपको अज्ञात राशि रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। और दाएं पक्ष पर आपका सिर्फ संख्या मान होना चाहिए, यहाँ पर अज्ञात राशि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने सीखा, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इसमें ये दाया पक्ष होता है, ये बाया पक्ष होता है। समीकरण को हल करने के लिए हमको पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। पक्षांतर यानी क्या होता है, पक्ष का बदल जाना, यानी कि जो बाया पक्ष पर है वो दाया पक्ष में जाएगा, जो दाया पक्ष पर है वो बाया पक्ष पर आएगा। कैसे आएगा, यदि कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, गुणा है तो भाग में जाएगा, भाग है तो गुणा में जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमको बाएं पक्ष पर अज्ञात राशि का मान रखना है और दाएं पक्ष पर हमेशा संख्या रखना है, ठीक है। ये बात यदि आप पूरा सीख गए तो आप समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समीकरण को हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ये जो अज्ञात राशि है x, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर हमको बॉक्स में भरना है, यहाँ पर भी x का मान, यहाँ पर भी x का मान, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, y, तो आपको यहाँ पर y का मान भरना है, ठीक है। जो भी अज्ञात राशि दिया है, x दिया है, y दिया है, z दिया है, आपको उसका ही मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हमने अभी सबसे पहले यहाँ पर देखा कि समीकरण को हल करने के लिए हमको पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए, उसके पहले हमको पता चलना होना चाहिए कि यहाँ पर बाया पक्ष कौन है, दाया पक्ष कौन है, बाएं पक्ष पर हमको किसका मान रखना है और दाएं पक्ष पर किसका मान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा है बाया पक्ष और ये है हमारा दाया पक्ष, ठीक है। इस तरह से हुआ, बाएं पक्ष पर मैंने कहा था कि आपको अज्ञात राशि रखना है और दाएं पक्ष पर आपका संख्या मान आना चाहिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाएं पक्ष पर ये है आपका बाया पक्ष, उसमें अज्ञात राशि होनी चाहिए, तो ये आपको एक्स दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा आपको दिख रहा है दो, इस दो को आपको यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। ये दो हटेगा तभी आपका यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक्स बस लिखा है, कोई भी संख्या नहीं लिखा है, तो इस संख्या को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं पक्ष को बदलना। ये जो बाएं पक्ष पर है वो कहाँ आना चाहिए, दाएं पक्ष पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है वो देखिए, दो गुणा एक्स में होता है ये, ठीक है, तभी आप उसको दो एक्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी साइन आपको नहीं दिख रहा है प्लस माइनस, उसकी जगह क्या है, गुणा है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब है कि जो भी संख्या है वो किसमें दिया है, गुणा में दिया है, ठीक है। तो गुणा का पक्षांतर अभी हमने जाना कि गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है, यानी कि ये जो दो है वो किसमें चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे, दो एकम दो, दो तीन चार, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको खाली स्थान को भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पर हल नहीं करना है, सिर्फ आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, x बटे 3 बराबर 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी आपको अज्ञात राशि x ही रखना है, बाकी संख्या को नहीं रखना है। तो संख्या यहाँ पर हमारा भाग में दिया है, बटे यानी क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो भाग में दिया है तो उसका पक्षांतर क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किस में चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा, तो 3 किया कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको समीकरण को हल करना होता है, आपको पक्षांतर का नियम याद होना चाहिए, ठीक है। समीकरण 3 जो दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि 3x+2=8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि हमारे जो बाएं पक्ष पर क्या होना चाहिए, सिर्फ अज्ञात राशि होनी चाहिए, बाकी ये जो संख्या आपको दिख रहा है 3 और 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 3x एक साथ है, फिर प्लस 2 अलग से दिया हुआ है। तो जो हमको पहले अलग से दिया हुआ है, जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं, उसको पहले हटाएंगे, ना कि 3x को हटाएंगे। ठीक है, प्लस 2 हमारा अलग से दिया हुआ है, पहले हम इसको ही हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले तो हम इस 2 को हटा देंगे, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, वो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, पक्ष को बदलना, पक्षांतर करना। हमने 2 का पक्षांतर किया है। ठीक है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले में हटाया था वैसे ही हटाएंगे। ये 3 किसमें दिया है, गुणा में दिया है, तो किसमें चले जाएगा, वो भाग में चले जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, तो ये 2 बार में हमारा 6 कट जा रहा है इनके पार से। ठीक है, इस तरह से हमारा जो x का मान आया वो कितना आया, 2 आया। ठीक, फोर्थ नंबर में देखते हैं 5y = 2y + 15। अभी तक आपने देखा होगा कि बाएं पक्ष पर था, दाएं पक्ष पर संख्या था। अभी हमारा देखेंगे कि बाएं पक्ष में भी हमारा अज्ञात राशि है और दाएं पक्ष पर भी अज्ञात राशि है। तो जरूरी नहीं है आपका ऐसा ही दिया हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है ये वाला रूल कि आपको बाएं पक्ष पर अज्ञात राशि रखना है और दाएं पक्ष पर संख्या रखना है। तो आपका देखिए बाएं पक्ष पर अज्ञात राशि तो है ऑलरेडी 5 है। ठीक है, यहाँ पर जो अज्ञात राशि दिया हुआ है उसको आपको इस पक्ष में लेके आना है। ठीक है, तो ये देखिए किसमें दिया है, 2y + में दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, हमेशा आपको साइन जो देखना रहता है वो सामने का देखना होता है, ना कि पीछे वाली संख्या का। पीछे वाली संख्या का ये साइन है प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में ही है। ठीक है, तो प्लस का पक्षांतर क्या होता है, माइनस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5y - 2y = 15, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपका एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब जाएगा, पक्ष जब आप बदलोगे तो वहां पर नियम लगाना जरूरी है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग का गुणा। ठीक है, ये नियम आपका लगना ही है जब आप पक्ष को बदलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर से 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3, और y का पक्ष है इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 गुणा में है, जैसे कि अभी हमने पहले ही पढ़ा, 3 गुणा में है तो कितने चले जाएगा, वो भाग में चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो y का मान है कितना आ जाएगा, 5। ठीक, इस तरह से आपको समीकरण को हल करना है। ये तो था खाली स्थान। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में भी किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है।